गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और प्यारे से व्लॉग में। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गए। तो गाइस, आज थोड़ा सा छोटे छोटे दो तीन काम है, तो फिर वो उसको निपटाते हैं। और आज सुबह रात से बारिश पड़ी थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है बस। तो देखो, दिखाता हूँ मैं। देखो गाइस, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले इस सिलेंडर को ठीक करवा के लाते हैं। ये काफ़ी कम से कम 2 साल से ऐसे ही रखा है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, या तो इसमें गैस गैस की कमी होगी, या फिर ये सारी चीज़ें भी बदलनी पड़े। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत होती है। तो फिर इसको लेके चलते हैं नजीबाबाद, और इसको वहाँ से भरवा के लाएंगे और वहीं से इसको ठीक करा के लाएंगे जो भी इसमें कमी होगी। गाइस, इसको फेंकते हैं यहाँ से नीचे। हो गया कीचड़ में, इधर की तरफ से मुड़ भी गया। इसको ऊपर की जो प्लेट है, इसको पहले धोते हैं। अब धुल गया, साफ हो गया एकदम। इसको लेके चलते हैं बाइक पे बांध के। इस वाली वायर के टुकड़े से बांध देंगे इसे। यहाँ बांधता हूँ। तो गाइस, इसकी कंडीशन देख के लग रहा है इसमें मोटा खर्चा होने वाला है, क्योंकि इसकी ये प्लेट भी मुड़ गई, अब तो ये भी डलेगी, और ये ऊपर वाला भी मुड़ गया इसमें, जिसमें से आग निकलती है। चलो फिर लेके चलते हैं। ये तो वैसे ही कागज़ हो रहा है, देखो। नजीबाबाद लेके चलते हैं इसे किसी अच्छी सी दुकान पर, और वहाँ से बनवा के लाते हैं इसे बढ़िया करके। तो गाइस, यहाँ का व्यू देखो कितना ही खतरनाक है। ये नजीबाबाद वाला रोड है। एक प्लेट डलेगी ऊपर की। हाँ, गैस कितनी भर हुई है बताओ? कितने रुपए किलो? 110 रुपये किलो। वही जिसका ये प्लेट डलवा रहा हूँ, प्लेट 100 रुपये की, 120 की बता रहे थे मैंने, ये 100 रुपये की डाल देना यार भाई। तो 100 रुपये में मान गए, और 3 किलो गैस है 110 रुपये किलो। फिर हो जाएगा ये बिल्कुल एकदम नया सिलेंडर। और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, उन्होंने पहले ही पूछ लिया भाई लीकेज तो नहीं है। कंडीशन देख के ऐसी लग रहा था ना कभी लीकेज हो, इस वजह से मैंने कहा लीकेज वीकेज नहीं है, वैसे ही पानी में पड़ा था बारिश के, तो इसकी वजह से लग रहा था मैं ऐसा। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं बिरयानी सिलेंडर ठीक कराने की खुशी में। तो देखो बिरयानी का खाए, इधर 1 किलो चिकन है, और इधर है 1 किलो चावल, और 3 प्याज है, 2 टमाटर है, 1 नींबू है, काफ़ी सारी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, और गरम मसाला है, और ऑयल है, और दही है। तो
तो गाइस अब इनको सबको मिक्स करके बनाते। सबसे पहले रखे हैं भगोना। गाइस ये वाला बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका है बिल्कुल एकदम। तो अब करते हैं शुरू। पहले ऑयल डालते हैं। तो गाइस तेल बिल्कुल गर्म हो गया, अब डालेंगे गरम मसाला। इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज का रंग सुनहरा होने तक पकाना है बढ़िया करके। अब डालते हैं अदरक और लहसुन इसमें। वही सब डालते हैं चिकन। तो अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च। वही सब डालते हैं इसमें टमाटर। नींबू का रस भी डाल दिए और दही भी, 200 ग्राम दही है। डालते हैं इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो गाइस चावल हमने पहले भिगो के रख दिए थे, अब चावल डालते हैं। अब डालते हैं इसमें पानी। तो गाइस नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो बार बार चेक करके। और डाल में थोड़ा सा भी। गाइस पानी डालते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, पानी जो ना 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए चावल से, तो चावल जो ना एकदम प्रॉपर पक जाएगी बिल्कुल। तो गाइस मेरे साथ है काफी सारे जवान, देखो दो तो नीचे पानी भर रहे। पन्नू और समीर और सबसे तगड़ा जवान ये और इधर।
तो अब देखते हैं खोल के। तो गाइस अब इसमें रंग डाल देते हैं जर्दे का, गरम पानी करके डालना है। तो गाइस बिरयानी बहुत ही शानदार बनी है, देखो कलर एकदम शानदार आया है और चावल बिल्कुल एकदम प्रॉपर पक गए। और गोश्त भी एकदम पक गया प्रॉपर। तो गाइस इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाने चाहो तो बना सकते हो, बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है। और इस व्लॉग को करते हैं फिर यहीं पे एंड। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।